बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बहार किचन। आज हम बनाएंगे नॉर्थ इंडियन स्टाइल पंजेरी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको अब हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सूखे खोपरे की गिटिक लेकर इसको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इनको एक मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। देखिए, मैंने खोपरे को इतना दरदरा पीस लिया है। इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेंगे। अब एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद इसके अंदर 1/4 कप गोंद डाल रहे हैं। डालकर इसको हम पॉप होने तक भून लेंगे। गोंद हमारा अब अच्छे तरह से पॉप हो गया है। इनको एक कप के अंदर निकाल लेंगे। अब इनको भी थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख लेंगे। अब इसी पैन के अंदर 1 कप बादाम डाल रही हूँ। डालकर इनको भी थोड़ा हम रोस्ट कर लेंगे। अब हमारे बादाम भी अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं। 2 टेबलस्पून जितने अलग से निकाल कर रख लेंगे एक बोल के अंदर। बस इतना ही। बचे हुए बादाम को हम एक दूसरे बोल के अंदर निकाल लेंगे। अब दोबारा से यही पैन के अंदर 1 कप सूखे खजूर डाल रही हूँ। इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। डालकर इनको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब हमारे सूखे खजूर भी अच्छे से भून गए हैं। इनको भी हम बोल के अंदर निकाल लेंगे। अब दोबारा से 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। अब इसमें 1/2 कप काजू डाल रही हूँ, 1/2 कप अखरोट और 1/3 कप पिस्ता। डालकर इन सबको अच्छे तरह से भून लेंगे। अब हमारे काजू, पिस्ता और अखरोट अच्छे तरह से भून गए हैं। इनके अंदर से भी हम 2 टेबलस्पून जितने निकाल कर बादाम वाले कप के अंदर रख लेंगे। इनको हम लास्ट में डालेंगे गार्निशिंग के टाइम पे। 2 टेबलस्पून जितना मैं निकाल ले रही हूँ। अब इनको भी हम बादाम वाले बोल के अंदर डाल देंगे। अब दोबारा से यही पैन के अंदर 1.5 कप मखाना डाल रही हूँ। डालकर इनको भी अच्छे तरह से भून लेंगे क्रंची होने तक। अब हमारे मखाने भी अच्छे तरह से भून गए हैं। इनको भी हम बोल के अंदर निकाल लेंगे। अब दोबारा से यही पैन के अंदर और 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। अब इसमें 1/2 कप सनफ्लावर सीड्स डाल रही हूँ, 1/2 कप पम्पकिन सीड्स, 1/2 कप वाटरमेलन सीड्स, 1/2 कप फ्लैक्स सीड्स, 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 2 टेबलस्पून खसखस, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून चिया सीड्स और 7 से 8 हरी इलायची डालेंगे। डालकर इन सबको अच्छे तरह से धीमी आंच में रोस्ट कर लेंगे। अब हमारे सीड्स अच्छे तरह से भुन गए हैं धीमी आंच में। इनको भी हम बॉल के अंदर निकाल लेंगे। अब दोबारा से वही पैन के अंदर और 2 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। अब इसके अंदर 1 कप सूजी डालेंगे। ये बारीक वाली सूजी होती है ना, वही है ये। डालकर सूजी को अच्छे तरह से भून लेंगे। इसको अच्छे तरह से भून लेंगे इसके अंदर से सौंधी खुशबू आने तक। अब हमारी सूजी अच्छे तरह से भून गई है। इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, देखिए, और बहुत अच्छी सी सौंधी खुशबू भी आ रही है इसके अंदर से। अब इसके अंदर ग्राइंड किया हुआ सूखा खोपरा डालेंगे। डालकर और 2 मिनट तक अच्छे तरह से भून लेंगे, सूखे खोपरे की भी कच्ची स्मेल जाने तक। अब हमारी सूजी और सूखा खोपरा भी अच्छे से भुन गया है। सूखे खोपरे का भी कलर भी देखिए चेंज हो गया है। अब इसमें 1/2 कप किशमिश डाल रही हूँ और इसी के साथ 1/3 कप भुने चने डालेंगे। डालकर 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे इन सबको मिलाकर। अब 2 मिनट से हमारे किशमिश और भुने चने भी अच्छे से भुन गए हैं। अब इनको भी हम दूसरे बोल के अंदर डाल देंगे। मैं यहाँ पे एक बड़ा से बोल के अंदर सूजी को डाल रही हूँ। ये देखिए, हमारे तले हुए सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे तरह से ठंडे हो गए हैं। इनको एक मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। इसी के साथ गोंद भी डालेंगे। डालकर इनको हम दरदरा पीस लेंगे। देखिए, मैंने ड्राई फ्रूट्स को इतना दरदरा पीसा हुआ है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसको हम सूजी वाले बोल के अंदर डाल देंगे।
इसी तरीके से सभी हम बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पीस लिया है, इसको भी हम बॉल के अंदर डाल देंगे। अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखेंगे। अब मैं यहाँ पे एक कप गुड़ ले रही हूँ, गुड़ को मैंने तोड़ के रखा हुआ है। एक दूसरा पैन लेकर इसके अंदर डाल देंगे और इसी के साथ आधा कप पानी डालेंगे। डालकर गुड़ को अच्छी तरीके से हम मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करके गुड़ के अंदर एक तार का खेमा आने तक पका लेंगे। अब हमारा गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, इसको एक बार चेक कर लेंगे। देखिए इसके अंदर एक तार आ रहा है, आपको शायद नजर आ रहा होगा। अब गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करके इसको हम पंजेरी के अंदर डाल देंगे। गुड़ को हम छान के डालेंगे, कभी कभी गुड़ में बहुत सारी गंदगी आ जाती है इसीलिए। खिमाम डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे पंजेरी को। अब हमारा गुड़ का खिमाम पंजेरी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हो। इसको अब हम सर्व कर लेंगे, के अंदर डाल देंगे। अब इसके ऊपर तले हुए काजू और बादाम से गार्निश कर देंगे, मैंने फर्स्ट में ही निकाल के रखा था ना वही। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी नॉर्थ इंडियन स्टाइल पंजेरी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और उसी के साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।